4 अप्रैल 2020 को जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में हुए पाकिस्तानी आतंकी हमले में बिलासपुर का एक जवान शहीद हो गया था। जवान सूबेदार संजीव की शहादत को एक साल पूरा होने के बावजूद भी प्रदेश सरकार ने हटवार स्कूल का नाम शहीद के नाम पर करने के अपने वादे को पूरा नहीं किया है, जिससे शहीद सूबेदार संजीव के परिजनों में नाराजगी देखने को मिल रही है और उन्होंने प्रदेश सरकार से जल्द ही अपने वादे को पूरा कर शहीद संजीव को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने की अपील की। कहते हैं कि हर सिपाही का सपना होता है कि विदेश की रक्षा करते हुए शहीद हो जाए या फिर विदेश के लिए कुछ कर गुजर जाए। कुछ ऐसा ही जज्बा लिए जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में अपनी ड्यूटी दे रहे थे सूबेदार संजीव कुमार। स्पेशल फोरपेरा कमांडो में बतौर सूबेदार पद पर तैनात 43 वर्षीय संजीव कुमार ने अपनी टीम के साथ मिलकर पाकिस्तानी आतंकी हमले के दौरान ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए जहां आतंकियों को मार गिराया तो साथ ही खुद भी देश के लिए शहीद हो गए। शहीद संजीव की बहादुरी को देखते हुए भारतीय सेना ने उन्हें मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित भी किया है। उनकी शहादत को एक साल से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। प्रदेश सरकार द्वारा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय हटवाड़ का नाम शहीद सूबेदार संजीव कुमार के नाम पर रखने का वादा आज तक पूरा नहीं हो पाया। सरकार की इस बेरुखी के चलते शहीद सूबेदार संजीव के माता पिता काफी दुखी हैं और सरकार से अपने वायदे को जल्द पूरा करने की मांग कर रहे हैं। संजीव के माता पिता का कहना है कि जब अन्य जिलों में स्कूलों का नाम बदलकर देश के लिए शहीद हुए जवानों के नाम पर रखा गया है तो हटवार स्कूल का नाम आज तक शहीद सूबेदार संजीव के नाम पर क्यों नहीं रखा गया। मेरे लड़के का नाम संजीव कुमार था जी, वो कुपवाड़ा में शहीद हुए हैं जी, हमला में शहीद हुए हैं जी। अब उनको एक साल हो गया जी, उनके नाम पर मंत्री जी आए थे, गरगर जी आए थे, उन्होंने बोला कि उसके नाम से स्कूल का नाम शुरू करेंगे, तो एक साल बीत गया, वो ओक नाम अभी तक नहीं बना जी, क्या बात हो गई। सरकार से कुछ अपील करेंगे आप? हाँ जी, आप इस काम को जरूर देखना जी और करना है जी। भाई साल हो गया संजीव को शायद ही सुखदार जो भाई इस काम बोलिया फिर कराई देंगे हैं, तो तीन आज तक ये काम नहीं हुआ। कौन सा काम था? हाँ ये जी संजीव के नाम का स्कूल का। हाँ जी, क्या चाहते कि होना चाहिए? हाँ जी होना चाहिए। हाँ ये जी कुटी हुआ साल हो गया, सरकार को कोई कदम नहीं उठवाया सरकार। बाकी सभी सब जगह हुआ है? सब जगह हुआ जी, कड़ोता में स्कूल के नाम को कुल्लू का उसके साथ था बालकृष्ण, वो भी काम हो गया, वो सब काम हो गया, हमारा काम क्यों नहीं हुआ। शहीद सूबेदार संजीव के भाई पवन कुमार का कहना है कि संजीव कुमार की शहादत पर घुमारवी के विधायक राजेंद्र गर्ग तो आए थे, उन्होंने सरकार की ओर से जल्द ही हटवार स्कूल का नाम शहीद सूबेदार संजीव के नाम पर रखने का वादा किया, लेकिन अब एक साल बीत जाने के बाद भी वे इस वादे को भूल गए हैं। उन्होंने सरकार से जल्द अपना वादा पूरा करने की मांग की है। जिनकी शहादत जो है पिछले साल 4 अप्रैल को ही थी, तो उसी टाइम के जैसे हमारे स्थानीय गवर्नमेंट या विधायक ने बताया था कि जैसे भी होगा तो हम हमारे जो पंचायत की थी उसकी सब गांववासियों की भी मांग थी कि जो हमारा हटवार स्कूल है उसका नाम उनके नाम पे रखा जाए, लेकिन एक साल बीत गया वो तो अभी तक वो जो ग्रामीणों में हमारी जो ग्रामीण पंचायत थी उन्होंने भी भेजा था इसका प्रस्ताव, तो अभी तक वो नाम रखा नहीं गया है। और जैसे कि थोड़ा सा और तब लगता है कि जैसे हमारे नज़दीकी थे वो भी शहीद अंकुश थे, तो उनका जो 6-7 महीने में ही उन स्कूल का नाम चेंज हो गया था, तो हम भी चाहते हैं कि जो हमारे ग्रामवासी भी हम खुद उनके परिवार ही चाहता है कि जो उनका नाम जो स्कूल है उनका स्कूल का उनके नाम पे रखा जाए। कीर्ति चक्र उनको पहले अभी इसमें पीछे चक्र भी मिला हुआ है, तो गवर्नमेंट से यही गुजारिश है कि वो जल्दी से जल्दी इस काम को पूरा करे ताकि एक प्रेरणा स्रोत जो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं या हमारे गांववासी हैं उनके लिए प्रेरणा स्रोत बने। वहीं घुमारवी से विधायक एवं कैबिनेट मंत्री राजेंद्र गर्ग ने वीरता चक्र मिलने के बाद शिक्षा विभाग द्वारा आगामी कार्रवाई अमल में लाने व जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद हटवार स्कूल का नाम शहीद सूबेदार संजीव के नाम पर रखने की बात कही है। जब उनको वीर चक्र प्राप्त हुआ उसके बाद जो है इसकी प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है, इसकी एजुकेशन विभाग के माध्यम से जो है फाइल कैबिनेट में आएगी और कैबिनेट के बाद जो है इसका नामकरण जो है सूबेदार संजीव कुमार के नाम से कर।
सिटी चैनल के लिए बिलासपुर से विजय भारद्वाज की रिपोर्ट।